मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और जो भी कानूनी रास्ते हो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। वापस लाएंगे? वापस लाना भी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। ये 2900 या 3000 या 5000 जो भी हो, एक दिन की तो होगी नहीं। इसका मतलब तबका है जब वो इनके सरकार के भागीदार थे, देवगौड़ा जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टनर में थे, तबका है। प्रधानमंत्री, एक सवाल है जो कम से कम मुझे ट्रबल करता है, मुझे कहीं ना कहीं ये देखकर तकलीफ होती है, वो है कि जिस तरह का हम एक वाक्या देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके पिताजी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोस, 2976 वीडियोस की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से, इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार है, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में होती और कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। दूसरा, एज फार एज मोदी इज कंसर्न, एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, एज फार एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और जो भी कानूनी रास्ते हो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये 2900 या 3000 या 5000 जो भी हो, एक दिन की तो होगी नहीं। इसका मतलब तबका है जब वो इनके सरकार के भागीदार थे, देवगौड़ा जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टनर में थे, तबका है। सरकार में रहते हुए ये सारा इकट्ठा करके रखा और चुनाव में भी एक निश्चित समाज के लोगों का मतदान पूरा हो गया, वो ब्लॉक वोकलिका का, उसके बाद उसको बाहर लाना और उसको भी उसको विदेश बाहर भेजने के बाद बाहर लाना, ये बहुत ही शंकास्पद है खेल कि भी आप अपने राज्य से जाने दे रहे हो। अगर आपके पास जानकारी है तो आपने बहुत रखते एयरपोर्ट पर रखते, आपने कुछ किया नहीं, भारत सरकार को कभी इन्फॉर्म नहीं किया आपने। इसका मतलब ये उनका राजनीतिक खेल है और उनको मालूम है कि ये उनके कार्यकाल के सरकार में जब उनकी भागीदारी थी तब का ही उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा है किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाना चाहिए, हमारे देश में खेल बंद होने चाहिए। वापस लाएंगे? वापस लाना भी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए।